इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे हंगरी टी10 के दोस्तों आज के होने वाले फर्स्ट मैच के बारे में। दोस्तों आज का फर्स्ट मैच COB और दोस्तों BOB टीम के बीच खेला जाएगा, यह मैच दोस्तों खेला जाएगा 12:45 से, ठीक ना। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं कि दोस्तों दोनों टीमों का अभी तक टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो COB की टीम दोस्तों अभी तक टूर्नामेंट में देखिए तो इन्होंने 7 मैच खेला है, जिसमें दोस्तों इन्होंने 5 मैच विन किया है और दोस्तों 2 मैच इनका लॉस रहा है। और वहीं दोस्तों BOB की टीम जो दोस्तों ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है 7 फाइनल मैच के लिए, उन्होंने 8 मैच खेला है और 8 के 8 मैच दोस्तों इन्होंने विन किया है। तो दोस्तों देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि देखो BOB की टीम ना इस मैच में बहुत ज़्यादा अपना प्लेइंग 11 में चेंजेस कर सकती है, बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस कर सकती है, क्योंकि दोस्तों इनके लिए ये मैच इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन COB दोस्तों इनके लिए इम्पॉर्टेंट मैच है, यदि दोस्तों आज के दिन ये 2 मैच जीतती है तभी दोस्तों ये क्वालिफाई कर सकती है 7 फाइनल के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कम्बिनेशन बनाने समय, ठीक ना, कि आपको ये फैक्ट कोई नहीं बताएगा लेकिन जानना जरूरी होता है कि कौन सा टीम दोस्तों कब ज़्यादा चेंजेस कर सकती है और कौन सा टीम के लिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट मैच है। इस वीडियो में जो भी मैंने अभी आपको कम्बिनेशन दिया है टॉस के बाद प्लेइंग 11 को ध्यान में रखते हुए उसमें कोई भी चेंजेस करना होगा तो फाइनल कम्बिनेशन मैं आपको फिर से अपडेट करके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसका लिंक नीचे दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा। जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। आखिर दोस्तों हम लोग COB और दोस्तों BOB के मैच में कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों इस मैच का कॉम्बिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। विकेट कीपिंग सेक्शन में आइएगा तो दोस्तों आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा एच घोष, तो दोस्तों आपके लिए सभी टीम में मस्ट इम्पॉर्टेंट पिक है और कैप्टन BC भी दोस्तों आप इन्हें कर सकते हो, क्योंकि इनका बैटिंग से परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में देखो तो आउटस्टैंडिंग रहा है और इस टूर्नामेंट के दोस्तों सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर बैट्समैन भी है और आपको सभी मैच में ओपन बैटिंग कर रहे हैं तो और भी इम्पॉर्टेंट बन जा रहा है। फिर नीचे दोस्तों आपको सेकेंड ऑप्शन मिलेगा एस थामा, ये भी दोस्तों आपको ओपन बैटिंग करने आएंगे लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा इनसे आप बहुत ज़्यादा स्कोर का उम्मीद नहीं रखिएगा, आपको मैक्सिमम 220-230 रन स्कोर करके देंगे और एक्स्ट्रा पॉइंट एज अ विकेट कीपर आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक ना। तो आप इन्हें टीम में रखना चाहते हो तो दोस्तों ख़राब ऑप्शन नहीं है, आप कंसिडर कर सकते हो और इनके जगह दोस्तों मैं आगे आपको एक रोटेशन भी देने वाला हूँ जिनके साथ आप इन्हें रोटेट भी कर सकते हो, ठीक ना दोस्तों। नीचे दोस्तों कुछ खास ऑप्शन नहीं है, ये सब प्लेयर को आप इग्नोर करो। अब बात करें दोस्तों हम लोग बैटिंग सेक्शन, तो बैटिंग सेक्शन में ए बेलिगामे, अब दोस्तों देखो ए बेलिगामे का जो लास्ट 3 मैचों का परफॉर्मेंस था ना बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है, बहुत ज़्यादा लास्ट 3 मैच में दोस्तों 2 मैच तो ऐसा रहा है जिसमें दोस्तों इनको बैटिंग करने के लिए एक मैच में 6 नंबर पर और एक मैच में दोस्तों 7 नंबर पर भेजा गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है दोस्तों इस मैच में इनका बैटिंग ऑर्डर के ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो इनका चेंजेज नहीं करना चाहिए। पहले दोस्तों ये टूर्नामेंट में फर्स्ट राउंड बैटिंग करते थे और सभी मैच में आपको स्कोर करके देते थे, तो इसी वजह से दोस्तों देखो मैं अभी इन्हें टीम में रख रहा हूँ लेकिन यदि इनका दोस्तों प्लेइंग 11 में नाम आपको एक नंबर से नीचे दिखता है तो फिर दोस्तों आप इनके जगह ये वाला रोटेशन आप कर सकते हो जो मैंने आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में दिया। फिर नीचे येगा डी अकबर दोस्तों आपके टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि इन्हें सभी मैच में ना टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए भेजा जा रहा है और बंदा स्कोर करके जा रहा है, यदि आप बस लास्ट मैच हटा दो उससे पहले जो 2 मैच इन्होंने खेला है एक में 241 और एक में 210 और दोस्तों टी10 जैसे टूर्नामेंट में 110 स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि इस मैच में भी आपको 110 ही करेंगे क्योंकि सामने जो बॉलिंग है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगे बिकॉज सिलेक्शन हाई है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं और रिसेंट मैचों में स्कोर करके आ रहे हैं। फिर नीचे दोस्तों यू मोहम्मद का ऑप्शन मिलेगा, मैं इन्हें दोस्तों आपको रिकमेंड करूंगा ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे खेलते हो जहां पे दोस्तों 3 बैट्समैन रखना कंपलसरी होता है वहां पे दोस्तों आप यू मोहम्मद को कंसीडर कर सकते हो, ठीक ना, क्योंकि यू मोहम्मद दोस्तों आपको 4 नंबर पर बैटिंग करने आता है, कम बॉल मिलता है खेलने के लिए, तो इसलिए आपके लिए सभी प्लेटफॉर्म पे इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। ए अजीज दोस्तों तभी ट्राई करना जब दोस्तों आप GL में BOB के टॉप ऑर्डर
जो है ना उनको अपने टीम में नहीं रख रहे हो तभी रखना, क्योंकि अजीज दोस्तों आपको 4 नंबर पे बैटिंग करने आता है जो बहुत ज़्यादा नीचे होता है, और इनको दोस्तों 90% मैच में बैटिंग का चांस भी नहीं मिलता है। सिर्फ एक ही मैच में इनको चांस मिला था जिसमें दोस्तों बंदे ने मात्र 14 बॉल में ही 40 रन स्कोर कर दिया था, लेकिन वही ये चांस मिलेगा तभी परफॉर्म करके देगा। खिलाड़ी अच्छा है बट वही ये चांस मिलना चाहिए, टॉप ऑर्डर में दिख जाए तो इम्पॉर्टेंट है। एफर साथ को दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा नहीं क्योंकि उतना खास इनका रिकॉर्ड रहा नहीं है। अब बात करें दोस्तों हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन, तो ऑलराउंडर सेक्शन एम नायक आपके सभी कम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट रहेंगे, कैप्टन में से भी आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज दोस्तों रिसेंट मैचों में मैंने देखा है इन्होंने बैटिंग से भी ना बहुत अच्छा स्कोर किया है। बॉलिंग से तो दोस्तों ये कमाल के फॉर्म में चल ही रहा है, सभी मैच में 2-2 ओवर का बॉलिंग और सभी मैच में 2 विकेट 3 विकेट इस तरह से ले रहे हैं, लेकिन रिसेंट मैचों में इन्होंने बैटिंग भी अपना काफ़ी अच्छा किया है, तो और भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एस रसिक का ऑप्शन मिलेगा, रसिक भैया तो दोस्तों कैप्टन बीसी के ऑप्शन है, कमाल के दोस्तों ऑलराउंडर प्लेयर है, फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे, साथ ही साथ दोस्तों आपको 2 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके देंगे, परफॉर्मेंस कम मैच खेले हैं लेकिन बेस्ट खेले हैं। फिर नीचे आएगा दोस्तों एक हानी दोस्तों बीयूबी के दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर प्लेयर है जो आपको ओपन बैटिंग करने आएंगे, साथ ही साथ दोस्तों आपको 2 ओवर बॉलिंग करके आएंगे, और इस मैच में दोस्तों कैप्टन बीसी का ऑप्शन भी देखो ना तो एस रसिक एक हानी ये दोस्तों सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे। रिक्स लेना हो तो दोस्तों एच घोष जो इस टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर है, फिर विकेट इधर से ऑलराउंडर सेक्शन में एम नायक भी खराब ऑप्शन नहीं है कैप्टन बीसी के लिए, तो इस मैच में 4 सबसे बेस्ट कैप्टन बीसी ऑप्शन है, उसमें दोस्तों सबसे जो सेफ ऑप्शन रहेंगे एस रसिक और ए घानी रहेंगे, तो ये दोनों तो दोस्तों ऐसे ही आपके टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बन रहे हैं। एस कुमार दोस्तों एज अ मैं बैट्समैन नहीं रखता हूँ क्योंकि दोस्तों बैटिंग इनको बहुत ही नीचे भेजा जाता है, बट एज अ बॉलर दोस्तों 100% टीम में रखेगा क्योंकि उन्होंने बॉलिंग से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एल काम को भी दोस्तों एज अ बॉलर ही आपको करना है, बैटिंग से मे भी दोस्तों आपको 20 रन भी स्कोर ना करें क्योंकि बैटिंग नहीं करते हैं और अदरवाइज बहुत नीचे करते हैं, लेकिन एज अ बॉलर सभी मैच में 2-2 ओवर का बॉलिंग कर रहे हैं और रिसेंट मैचों में इन्होंने परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा किया है बॉलिंग से। फिर नीचे दोस्तों आपको एस बट का ऑप्शन मिलेगा, अब दोस्तों एस बट और दोस्तों के वाई ये दोनों में से किसी एक प्लेयर आपके टीम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक प्लेयर दोनों को दोस्तों एक टीम में रखना थोड़ा सा बोल सकते हो कि वो रिक्सी हो जाएगा। रीजन क्या है दोस्तों, एस बट आपको ओपन बैटिंग करेगा ठीक ना, और आपको 2 ओवर का बॉलिंग करके देगा, वाहिद दोस्तों आपको पावर प्ले में बॉलिंग करता है, डेथ मीन दोस्तों एस बट को ये बॉलिंग करेगा, बैटिंग दोस्तों के वाहिद करके आपको नहीं देंगे ठीक ना, तो ये वाला रोटेशन मान के चलो के वाहिद विकेट लेता है तो हाई चांस है कि एस बट का ही विकेट लेगा, तो ये वाला रोटेशन आप चाहो तो कर सकते हो। मैं अभी के लिए एस बट को दे रहा हूँ क्योंकि रीजन क्या है, ये ऑलराउंडर प्लेयर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों से आपको पॉइंट देगा और के वाई दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग से पॉइंट देते हैं। लास्ट ऑप्शन दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में मैं एम बुरन को रखूँगा, बुरन दोस्तों विकेट टेकर बॉलर है, आपको दोस्तों 2 ओवर बॉलिंग भी करेगा और साथ ही साथ दोस्तों विकेट भी लेके जाता है, इनका बॉलिंग का एक्शन भी बहुत अच्छा मुझे लगा है, और बॉलिंग फर्स्ट में दोस्तों देखो मैं तो इन्हें इग्नोर नहीं करने वाला हूँ ठीक ना, क्योंकि ये 1 ओवर आपको डेथ में भी बॉलिंग कर जाएंगे, ओवर नंबर 9 और 10 में से 1 ओवर इनका फिक्स रहता है। फिर नीचे ए चूल्हा जीएल में कंसीडर कीजिएगा दोस्तों, और वो भी मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओपन बैटिंग कर रहा है, स्मॉल लीग में मैं नहीं रख रहा हूँ क्योंकि सामने जो टीम है उनका बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, तो इसलिए मैं नहीं रख रहा हूँ। हाँ नीचे से यदि एम ओट्रो खेलता है ये तो भाई 100% आपकी टीम में होने चाहिए, विकेट टेकर दोस्तों बॉलर है, ध्यान रखना बड़े लेवल पे खेल चुके और खेल भी रहे और तुर्की टीम के दोस्तों कैप्टन भी है इंटरनेशनल टीम के, तो आप समझ सकते हो यदि कोई इंटरनेशनल टीम का कैप्टन है तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एम ओट्रो ध्यान रखिएगा इस प्लेयर पर। अब बात करें दोस्तों हम लोग बॉलिंग सेक्शन, तो बॉलिंग सेक्शन में देखो क्योंकि हम लोग के पास बस एक ही ऑप्शन बचा है, तो एक ऑप्शन में दोस्तों मोहन दास से बेटर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 2 ओवर का बॉलिंग पावर प्ले में ही दोस्तों आपको बॉलिंग करते हैं लेकिन 2-3 विकेट वहीं पे लेके आते हैं। फिर आरगोएल का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों बॉलिंग कर नहीं रहे तो इसी वजह से आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, हाँ एक मैच में इनको ओपन करने के लिए भेज दिया गया था लेकिन सभी मैच में ये ओपन बैटिंग नहीं करेंगे और इस मैच में तो और भी नहीं करेंगे क्योंकि यदि बीयूबी की टीम दोस्तों बहुत ज़्यादा चेंजेस करती है तो हार जाएगी, सामने अच्छी टीम है।
फिर नीचे आई अहमद का ऑप्शन मिलेगा, जीएल में ही कंसीडर कीजिएगा दोस्तों। स्मॉल लीग में मैं रिकमेंड करूंगा नहीं। ए माथुर दोस्तों लास्ट दो मैच से खेल नहीं रहे तो आप इन्हें ड्रॉप करके ही चलो। नीचे दोस्तों आपको ए बेंट रंजन का ऑप्शन मिलेगा, अच्छा बॉलर है यार, 10% मात्र सिलेक्शन जा रहा है इनका। लेकिन दोस्तों देखो स्मॉल लीग में आप नहीं रख रहे हो, लेकिन ग्रेन लीग में ए बेंट रंजन और नीचे से आर से बराबर यदि दोनों खेलता है और दोनों दोस्तों एज अ फोर्थ और दोस्तों फिफ्थ बॉलर खेले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज ऐसे में दोनों आपको दो दो ओवर का बॉलिंग करके देगा। हाँ यदि दोस्तों दोनों एज ए सिक्स और सेवन बॉलिंग ऑप्शन उतरे फिर दोस्तों आप टोटली इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि मे भी दोस्तों कम चांस मिले बॉलिंग करने का, क्यूँकि दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। आप आर से रावत ही देखो ना, 11% सिलेक्शन है, दो मैच खेले टूर्नामेंट में और दो मैच में आपको चार ओवर बॉलिंग करके तीन विकेट प्रोवाइड किया है। लास्ट मैच जो इन्होंने खेला है उसमें भी आपको दो विकेट प्रोवाइड किया है, तो ये तो खराब परफॉर्मेंस रहा नहीं है। तो ये दोनों प्लेयर टोटली इग्नोर मत कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिलेक्शन कम है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, डेफिनेटली रहेंगे। अरे दोस्तों इस मैच से रिलेटेड हम लोग अपने कैप्टन बीसी ऑप्शन दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में बता दिया, इस मैच में चार बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, एच घोष, एम नायक, एस रसिक और ए घानी। ये चार में दोस्तों दो सबसे सेफ ऑप्शन आपके लिए बन रहे, एस रसिक और ए घानी, बिकॉज दोस्तों ये ऑलराउंडर प्लेयर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। मैं अभी के लिए देखो तो एस रसिक को कैप्टन और वाइस कैप्टन मैंने ए घानी को किया है, और अभी के लिए दोस्तों ये टीम मेरा फाइनल टीम है। आप सभी दोस्त इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए। टॉस के बाद कोई भी इस टीम में चेंजेस करना होगा टॉस को ध्यान में रखते हुए, प्लेइंग इलेवन को ध्यान में रखते हुए, तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा कॉम्बिनेशन कहाँ पे, तो टेलीग्राम पे। और इस मैच में कोशिश कीजिएगा स्मॉल लीग जितना हो कम खेलिएगा, मिनी जीएल ग्रैंड लीग जो मैंने रोटेशन दिया है, आप यदि तीन चार कॉम्बिनेशन बनाते हो तो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक ना, तो उस पर जरूर फोकस कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और अब बात करें दोस्तों इस मैच से रिलेटेड हम लोग अपने गिव अवे क्वेश्चन के बारे में, तो दोस्तों आपको इस मैच में बताना है कि दोस्तों ए घानी आपको बैटिंग से कितना स्कोर करेगा। सिंपल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ दोस्तों, पॉइंट वाला नहीं पूछ रहा हूँ, आपको बस यही बताना है कि ये कितना स्कोर करेगा। आंसर कहाँ दोगे तो दोस्तों आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। लिखना कैसे दोस्तों, तो हैशटैग शर्मा फैंटेसी ग्रुप पहले लिखिएगा, फिर नीचे दोस्तों आप ए घानी लिखिएगा, फिर आपको जितना लगता है वो स्कोर करेंगे वो आप लिख दीजिएगा, ठीक ना। और हाँ, लिखने से पहले दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों यदि आप विनर बने तो आपके यूट्यूब आईडी का मेरे को इजिली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक ना दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट टीटेन के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।